तो हाय गाइस, कैसे हो? हाय सब बढ़िया होंगे, ठीक हो? फाइनली गाइस आ चुके हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े भैया छोटे भैया के एक और एपिसोड में वापस। तो गाइस आज है 9th अप्रैल और अभी सुबह सो का टाइम चल रहा है भाई। देखेंगे अब तक एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है। देखो 9 और 10, केवल 2 दिनों का टाइम बचा हुआ है और अब तो भाई स्पीड हमें इंक्रीज है वो देखने को मिलनी ही चाहिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और हाँ, एक चीज़ जो कल शाम को भाई मेकर करीब रात के 11 बजे हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से भाई उन्होंने एक कंफर्म किया है कि जो 10 तारीख के पेड प्रीव्यू शोज भी थे गाइस उनको भी कैंसिल किया जाए और ये टोटल ऑफ भाई 11 तारीख को ही रिलीज होगी। और अक्षय कुमार छोटा सा वीडियो के जरिए ये कंफर्म है गाइस वो किया था, मतलब कि अब जो 10 तारीख को शो जितने भी थे भाई उनको कैंसिल है वो कर दिया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ मैंने देखे हैं कि भाई अभी भी काफ़ी ज़्यादा शोज हैं जो भाई अभी कैंसिल है वो नहीं हुए, भाई उनको रिफंड नहीं मिला है। और हाँ, ये गैटी ग्लैसी वगैरह हो गया भाई, ये तो कैंसिल हो चुके हैं। बट मैंने मैक्सिमम ये देखा कि जिन शोज़ में अच्छा खासा एडवांस हुआ था भाई वो कैंसिल नहीं हुए हैं। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो बड़े बड़े शोज़ हैं उनको रहने दो जैसा है वैसा ही, एंड आएगा तो ठीक है, कोई हम सोच समझ कर वो क्यों ही वो करेंगे। ऑलरेडी एडवांस काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो जो पब्लिक आएगी जो शोज़ 10 तारीख शाम के लिए बड़े बड़े हैं तो मे बी भाई उनको वैसा ही रख सकते हैं मेकर्स। अब देखना ये दिलचस्प हो गए उनको रिफंड करेंगे या फिर नहीं। शाम से इन्होंने कन्फर्म किया और अभी तक कई सारे शोज़ हैं गाइज़ वो कैंसिल भी हो चुके हैं और कई सारे अभी नहीं भी हुए। चलो देखते हैं गाइज़ अभी क्या होता है, एंड अब 11 तारीख के लिए भाई रेडी हो जाओ। बट एडवांस में गाइज़ हमें स्पीड अभी भी वो देखने को नहीं मिल रही है जो हमें एटलीस्ट चाहिए। अभी ये 11 को आ रही है, मिनिमम टू मिनिमम 30 करोड़ प्लस भाई नेट चाहिए चाहिए। मैं आप सभी को स्टार्टिंग से भाई बताता आ रहा हूँ, 30 करोड़ प्लस नहीं आएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे 30 भी दिख रहा है। चलो देखते हैं एडवांस, सबसे पहले नजर है गाइस बो डाल लेते हैं और कंपैरिजन करेंगे सीधा लास्ट 24 आवर्स में किस तरह एडवांस बुकिंग गाइस बो हुई है और कल हमने इसी टाइम क्या नंबर है गाइस बो देखा था। तो सबसे पहले दिल्ली एनसीआर 440, एज अ नाउ 480 शोज हो चुके हैं, चलो यहाँ पे शोज इंक्रीज हुए हैं। एंड मुंबई में 300, एज अ नाउ 330 शोज है, यहाँ पे शोज इंक्रीज हुए हैं। पुणे में 110, एज अ नाउ 120 है। कोलकाता 100 आई 130 शोज है। एंड अहमदाबाद में 165, एज अ नाउ ऑलमोस्ट सिमिलर। एंड जयपुर 60 सिमिलर, चंडीगढ़ 57 ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लखनऊ 70 है, एज ऑफ नाउ 74 शोज है। भोपाल वगैरह भाई ऑलमोस्ट कई सारे प्लेसेस में सिमिलर है, कई सारे प्लेसेस में भाई हमें जंप भी देखने को मिला है। बट अभी थोड़ा अनदर लैंग्वेज में एडवांस ओपन हो चुका है वगैरह अनदर फॉर्मेट में भी, तो अभी शो थोड़े इंक्रीज हुए हैं। पूरे भारत में कहीं ना कहीं का 4000 के आसपास शोज तो है ही है, 4000 के आसपास शोज में एडवांस बुकिंग का इस बार ओपन हो चुकी है। टोटल ऑफ नंबर्स गाइस 25 लाख 2D वर्जन, 11,300 टिकट्स हैव बीन सोल्ड और एवरेज टिकट प्राइस ऑलमोस्ट 200 के आसपास है। मैंने स्टार्टिंग से बताया था कि जो नॉर्मल 2D का प्राइस जाएगा एवरेज वो कहीं ना कहीं 200 से भी नीचे आएगा, ये 180 के आसपास आने वाला है। एंड 3D की बात करें ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास नंबर है, 4,700 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। टोटल ऑफ ऑल ऑफ लैंग्वेज फॉर्मेट इंक्लूड करके कहीं ना कहीं 40 लाख के आसपास गई एडवांस बुकिंग वो हो चुकी है। 40 लाख एंड 17,000 क्लोज टिकट्स हैं गाइस वो बिक चुके हैं, जो कि 4,000 मिनासी को बता ही दिए शोज है पूरे भारत में। ये है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट भाई बड़े भैया छोटे भैया की 9th अप्रैल सुबह तक, केवल और केवल 2 दिनों का टाइम बचा, अभी 2 दिनों का टाइम भी नहीं बचा है। अभी 9 तारीख मॉर्निंग टाइम हो ही चुका है, तो 6 आवर तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ से मामला अभी 2 दिनों से भी कम ही टाइम है वो बचा है और केवल 40 लाख का एडवांस बुकिंग। ये कल 8 तारीख क्लोज तक कहीं ना कहीं 1.50 करोड़ प्लस तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं हो पाया। तो आज गाइस हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें डबल भी छोड़ो यार 4x, अभी लास्ट 24 आवर्स देखें तो कल 15 लाख था और अभी 40 लाख है, मतलब ऐसा नहीं चलना चाहिए। अभी 30 को आप मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 5, 6, 7, 8 गुना से भाई, इस तरह हमें आज स्पीड है गाइस वो चाहिए। और कहीं ना कहीं 2 करोड़ प्लस तो आज मामला गाइस वो जाना ही चाहिए, 2 करोड़ प्लस जो भी गाइस काफ़ी कम है, बट स्पीड को देखते हुए हम बोल रहे हैं कि 2 करोड़ प्लस तो एटलीस्ट भाई। लास्ट पिक्चर अक्षय कुमार की क्या नाम था यार, OMG 2 जो अच्छा आशा भाई जिसने बिजनेस किया था, 3.5 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग थी। बाकी तो छोड़ो, पृथ्वीराज सुकुमार जी की अभी हाल ही में पिक्चर आई थी दी गुड लाइफ, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ मेरे ख्याल में उसने भी एडवांस बुकिंग गाइस बुक कर ली थी। यस 3,000 शोज में, यही कुछ 3,000 के आसपास शोज थे पूरे भारत में ऑल ऑफ लैंग्वेज का इंक्लूड करके, इन बोथ को ओवरटेक करना ये अभी देखना दिल। बाकी छोड़ो यार, शैतान मूवी आई थी अभी अजय देवगन की लास्ट दिस ईयर की, वो बड़ी सुपरहिट है अब तक की, 4 करोड़ प्लस डे नंबर 1 में एडवांस बुकिंग थी। अभी ये देखना दिलचस्प हो गए बड़े भैया छोटे भैया भाई उनको ओवरटेक कर पाएगी या फिर नहीं,
करना चाहिए, मेरे ख्याल में करना चाहिए। बाकी छोड़ो, 8 से लेकर 10 करोड़ तक एडवांस बुकिंग करनी चाहिए पहले दिन के लिए, तब भी जाके गाइस ये 30-35 जो हम सोच, 30 भी वैसे देखा जाए कम नंबर है, बट कम से कम 30 करोड़, इससे नीचे तो आना ही नहीं है। अब ये 10 तारीख को नहीं आ रही है, 11 तारीख को आने भाई, और उस दिन वैसे भी होलीडे है, ईद है। चलो देखते हैं, बाकी डिवाइस एडवांस बुकिंग और डिवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।